आपने देखा होगा मैं ग्रोथ रेगुलेटर बहुत कम देता हूँ, जैसे 2,4-D आपका है, जिब्रेलिक एसिड आपका है, या और भी हैं साइटोकाइन या साइकोसिल वगैरह है, बहुत मिनिमम। उसका कारण ये होता है क्योंकि ये बेसिकली प्लांट के अंदर तैयार करता है प्लांट खुद, लेकिन जब हम एक्सटर्नली देते हैं हमें ये नहीं पता कि अंदर उसके कितना है। जब हम बाहर से दे रहे हैं तो हो सकता है जो उसकी कंसंट्रेशन अंदर थी वो बिगड़ जाए बाहर वाले से, इसलिए कोशिश ये होता है कि भाई तभी देंगे जब बाकी हमें हार्मोन्स की ये पता लगता है भाई हार्मोन्स के कारण है। अदरवाइज जो क्या होगा कि फाइटो हार्मोन्स वगैरह या जो केमिकल रिएक्शंस होनी है वो बिगड़ जाती है अंदर की और उसके कारण प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाती है। मान लीजिए एग्जाम्पल मैं आपको दे दूंगा, जिब्रेलिक एसिड, हमें ये पता है कि जिब्रेलिक एसिड हरा ज्यादा अच्छी तरह से बना सकता है, मतलब ग्रीन प्लांट लगे। अब अगर हम ये जिब्रेलिक एसिड फरवरी के महीने में दें, भाई पीलापन दिख रहा है जी, जिब्रेलिक एसिड कर दिया, साइटोकाइन कर देंगे हम, ये पीलापन खत्म हो जाएगा, हरापन आ जाएगा। अगर हमने फरवरी के महीने में जिब्रेलिक एसिड की स्प्रेइंग कर दी और उसके बाद हम वेट करते रहे कि भाई जो है फूल आएगा, वो एक तो डिले करता है और अगर कंसंट्रेशन अंदर और बाहर की बिगड़ गई तो फूल आना ही बंद कर देगा, वहां नेक्स्ट ईयर भले आ जाए वो, लेकिन उस साल नहीं। तो सडनली हार्मोन्स का जब हम इस्तेमाल करेंगे वो देख के कंडीशंस के, जो फल हमारा गिरता है मई जून में बिल्कुल छोटा दाना जब होता है हाई टेम्परेचर के कारण नॉर्मली गिरता है, उस हाई टेम्परेचर के कारण क्या है कि हार्मोन जिब्रेलिक एसिड, ये जो क्या नाम है इसका, ऑक्सिन, ये कम होता है प्लांट में। इसीलिए आपने देखा होगा या तो फल ऐसे गिरता है या उस डंडी समेत ही नीचे गिरता है। अगर डंडी वहीं पे है और फल गिरता है तो ये हार्मोन की कमी के कारण है, हार्मोन इसके कारण भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें ये देखना पड़ता है फिर अगर डंडी यहाँ से गिरा हुआ है इसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई सिम्टम्स तो नहीं दे रहा है। अगर कोई सिम्टम नहीं दे रहा और ये ज़्यादा गिर रहा है, ज़्यादा गिरने का क्राइटेरिया ये नहीं कि आप नीचे देखिए कितना गिरा, क्योंकि जितना फूल आता है अगर उसका 0.1%, 0.1% भी अगर आपका अल्टीमेटली फल बनता है वो जो बेचने लायक होता है आपका, बहुत फल है। अब आप खुद सोचिए 0.1% मतलब 100 में से एक फूल भी हमारा अगर बचता है वो, तो नॉर्मली हमारा जो है 0.1 से भी कम होता है कई बार, लेकिन होना ये चाहिए आइडियली इट शुड बी 0.15 जितना होगा, तो हमारा फल क्रॉप बिल्कुल बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे जब अगर हमें ये दिक्कत लग रहा है कि भाई ये गर्मी के कारण या हार्मोन्स के कारण है, कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, उसमें हमें ये क्रिएट क्राइटेरिया लेना है कि हमने इसमें पानी जब दिया था वो कब दिया था, और ऐसा तो नहीं फूलों के टाइम पानी मॉइस्चर कम है, बदतर कंडीशन में उसमें पानी तो रहना चाहिए, टपा एक मारेंगे ना तो या तो हल्का सा गीला दिखना चाहिए या थोड़ा स्लाइटली कम होगा। अगर ऐसी स्टेज है और फिर भी गिर रहा है, मतलब मॉइस्चर है, बदतर कंडीशन है, तो हम इसको हार्मोन की ही स्प्रे करेंगे, चाहे 2,4-D उसमें दे दें, चाहे इंडोलास्टिक एसिड दे दें, चाहे और भी ऑक्सीजन कई तरह के हैं हमारे पास, 10-12 तरह के जो ऑक्सीजन जो यूज कम कर सकते हैं उसको हम दे सकते हैं, रुक सकते हैं। लेकिन जनरली ये जो मई जून के टाइम ड्रॉप होता है, अगर बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऊपर देखना नीचे नहीं देखना कितना गिरा, ऊपर अगर आपको लग रहा है कि ठीक है ये कुछ, तो हमें हार्मोन की स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही ड्रॉप जो हम उसमें रोकेंगे, ये जाके अगस्त में जब दाना इतना बन जाएगा उसमें ज़्यादा ड्रॉप होगा, उसमें ज़्यादा दुख होगा, यार इतने बड़े बड़े फल गिर रहे हैं, फिर वो दिखाई देता कि यार 12 रुपये किलो हो गया था, ये तो 1 किलो गया, 12 रुपये गया हमारे। तो इसलिए कोशिश करिए उस कंडीशन में। इसी तरह से जिब्रेलिक एसिड हम कब देते हैं, जब आप जून के महीने में, हम नॉर्मली तो क्या करते हैं अगस्त सितंबर में अगर फोन आते हैं फार्मर से, साइज छोटा रहेगा, ये चीज़ आपको जून के महीने में देख लेनी चाहिए साइज छोटा है क्या है। उस स्टेज पे क्या है, हम ये कहते हैं कि भाई जून के एंड में या कई बार हम इवन जुलाई के एंड में भी कहते हैं भाई आप, क्योंकि वो टेम्परेचर उसको देखना होता है, कोरिलेशन करना होता है, उस समय हम कहते हैं जिब्रेलिक एसिड स्प्रे फंजीसाइड के साथ दे दो, क्योंकि फंगस का इन्फेक्शन भी होता है, लेकिन न्यूट्रिशनल अपटेक अगर ठीक नहीं हुआ है, पोटाश कंपेरेटिवली कम है, तो उसका साइज कंपेरेटिवली छोटा रहे। यहाँ नॉर्मली भ्रांति है फार्मर्स की कि भाई पोटाश, वो कहते हैं जी पोटाश इसलिए देना कि कलर जल्दी आ जाएगा, इसका साइज का वो ख्याल नहीं रखते, कलर कोई इम्पैक्ट नहीं है उसका, कलर उसका इम्पैक्ट सिर्फ है साइज पे,
और क्वालिटी पे कि आप क्वालिटी कैसी बने। जूस जो है अगर नाइट बेसिकली तीन चीजें होती, कोई एक चीज नहीं है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, इनका रेशो ठीक होना चाहिए आपस में, तभी आपका फल हमेशा ठीक रहे। अगर इनका रेशो बिगड़ जाता, खासतौर पर नाइट्रोजन हाई है पोटाश कम है, तो आपका साइज छोटा होगा। नाइट्रोजन लो है और पोटाश आपका कंपेरेटिवली ठीक है और फास्फोरस भी कम है, तो आपका फ्लोरिंग भी कम आ जाएगा। ये रेशो तो इसीलिए अगर आपने, मुझे नहीं पता कि आप रिपोर्ट जब हम भेजते हैं आप उसको देखते भी या पढ़ते हैं कभी कि नहीं, उसमें हमने जिस पेज पे ये लिखा ना पत्तों का विश्लेषण लिखा होता है, उसमें मिट्टी का विश्लेषण, फिर एक साइड से हमने लिखा होता है कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश 300 250 इस तरह, और उसकी एक साइड पे लिखा होता है कि नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश, फिर लिखा होता है 25% 35% 30% 20%। ये कारण वो जो है वो हम आपको इसलिए दे रहे हैं कि भाई अंदाजा हो कि हमें कितनी बार देना है और कितनी परसेंट, ये नहीं कि एक बार में 500 दे दूसरी बार भी 500 ही जाएगी, या एक बार 100 दे दी दूसरी बार भी 100 ही जाएगी। हर स्टेज पे नाइट्रोजन